अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले आप लाहौर रेडियो सुन रहे हैं। आज हम दुनिया के एक ऐसे अमीर तरीन शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अगर आज जिंदा होता तो वो दुनिया का आठवां अमीर तरीन इंसान होता। उस इंसान का नाम है पैब्लो एस्कोबार। पैब्लो एस्कोबार 2006 में ड्रग्स माफिया का बहुत ही बड़ा नाम रहा है। इसका ड्रग नेटवर्क बहुत ही बड़ा था जिसमें बहुत ज़्यादा लोग थे। और एक और हैरानकुन बात जिसमें पैब्लो एस्कोबार के पैसों को गिनने के लिए गड्डियां बनाने के लिए कम से कम $2 बिलियन की रबर बैंड आती थी जो कि कम से कम 20 से 30 लाख रुपए बनते हैं। और इसी वजह से पैब्लो एस्कोबार दुनिया का आठवां अमीर तरीन इंसान माना जाता अगर तो वो जिंदा होता। अब हम पैब्लो एस्कोबार के बारे में कुछ ऐसी हरकतों के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही मशहूर और मरूफ है उनकी हरकतें हैं। उसमें सबसे पहले है पैब्लो एस्कोबार पुलिस से छुप कर अपने पहाड़ी इलाकों में गया था और उसकी बेटी को बुखार हुआ, ठंड हुआ और इसकी वजह से उसके पास आग का कोई जरिया नहीं था। उसने अपने बैग से फुल $2 मिलियन निकाल के आग लगा दी और उससे उसकी बेटी को थोड़ी गर्माहट महसूस हुई और उससे उसकी सेहत थोड़ा फर्क पड़ा। आगे हम बात करते हैं पैब्लो एस्कोबार के नेटवर्क के बारे में जो कि बनता है कम से कम 189 मिलियन डॉलर जो कि तकरीबन 8 से 17 हजार करोड़ बनते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हम कुछ और बंदों से भी रابطہ करेंगे और हमारी कुछ और अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल लाहौर रेडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलें। सो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।